हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रशिता शो। तो आज बात करते हैं आपके 9th मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में। 8 महीने अभी आपके निकल चुके हैं और 9th मंथ आपका स्टार्ट हो गया। ये आपका लास्ट मंथ होता है जब आपका वेट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और अब काफ़ी जल्दी एक छोटा सा बेबी आपके पास में हो सकता है। आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो 9th मंथ में क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है? अभी भी आपके डाइट का आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना आप पिछले 8 महीने में रखते आए हैं। तो बात कर लेते हैं आपके डाइट की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ों का अभी भी आपको अवॉइड करके चलना है, और थोड़े से टिप्स की भी बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या टिप्स भी इस टाइम पर आपको फॉलो करने हैं। तो उसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस करना है। तो बात करते हैं 9वें महीने में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये महीना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने पिछले 8 महीने थे। तो आपकी डाइट का आपको पूरा ध्यान रख के चलना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेनी है? फाइबर रिच डाइट अभी भी आपको लेते रहना है। फाइबर में वेजिटेबल्स में खूब फाइबर होता है, फ्रूट्स में काफ़ी फाइबर होता है। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गए, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं जिसमें फ़ाइबर रहता है। तो सब्जियाँ आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। फ्रूट हो गया, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब काफ़ी तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें फ़ाइबर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी हैं। उसके अलावा रोटी, चावल, ओट्स, दलिया, ये सब में फ़ाइबर काफ़ी होता है। तो ये सब चीज़ों को डाइट में ऐड करके चलना है। जिससे अभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि पेट आपका काफ़ी बढ़ गया है, ब्लैडर पे आपके काफ़ी प्रेशर पड़ता रहता है। तो फाइबर रिच डाइट आप लेते रहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको नहीं हो। पानी अभी भी बराबर आपको पीते रहना है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको यूरिन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े, बट फिर भी पानी आपको बराबर पीते रहना है। पानी आपको छोटे छोटे इंटरवल्स पे पीते रहना है ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाए। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपको लेना है आयरन रिच डाइट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन हो सकता है अभी भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर रखा हो और आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हों, बट आयरन सप्लीमेंट्स लेने के साथ साथ आपको आयरन रिच डाइट भी लेना है। आयरन जो है आफ्टर डिलीवरी भी आपको लेते रहना है क्योंकि खून की कमी काफ़ी बार हो जाती है। तो आयरन सप्लीमेंट्स लेने के साथ साथ आयरन रिच डाइट आप लीजिए। आयरन होता है काफ़ी सारी जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आपको आयरन मिल जाता है। नट्स की मैं बात करूँ तो किशमिश वगैरह रहते हैं जिसमें आयरन भरपूर होता है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज लीजिए, नॉन वेज में भी आयरन काफ़ी होता है। अंडा हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ों में काफ़ी आयरन होता है, तो ये आप लीजिए। फिर विटामिन सी अभी भी आपको लेते रहना है। विटामिन सी क्योंकि आयरन आप ले रहे हो, आयरन हो सकता है सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हो, आपके डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है, उसके अलावा आयरन रिच डाइट भी ले रहे हो, तो आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए उसके लिए विटामिन सी रिच डाइट लेना ज़रूरी है। विटामिन सी में आपको पता है कि जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, आपका नींबू हो गया, ये सब में विटामिन सी भरपूर होता है। सब्जियों की मैं बात करूँ तो शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इनमें विटामिन सी होता है। तो ये चीज़ों को आप खाते रहिए जिससे आयरन जो है बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। उसके अलावा फ्रूट्स आपको लेते रहना है, एक बाउल भर के पूरा फ्रूट लेना है आपको। जैसे आप पहले अभी भी ले रहे थे, मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, दिन में एक या दो कोई फ्रूट ले सकते हैं, बट फ्रूट्स आपको लेते रहना है। कैल्शियम रिच डाइट भी इस टाइम पे आपको लेना ज़रूरी है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड कर रखे हों, बट अब अगर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं उसके बाद भी कैल्शियम रिच डाइट आपको लेना ज़रूरी है। तो कैल्शियम में सबसे अच्छा है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ों को लेते रहिए। उसके अलावा अंडा अगर आप खा सकते हैं तो अंडा आप लीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन चीज़ों को अपने डाइट में ऐड करके चलिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी भी इस टाइम तक प्रेग्नेंट वुमेंस में काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेंस में हो जाती है। तो अपना प्रोटीन डाइट को आप अच्छे से रखिए। प्रोटीन में अंडा अगर आप खाते हैं तो अगेन अंडा आप खा सकते हैं। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में काफ़ी प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप दालें खाइए, दालों में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में ऐड करके चलनी है इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा
अपने डॉक्टर से कंफर्म करके इस टाइम पे घी वगैरह भी डॉक्टर जो है काफ़ी रिकमेंड कर देते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा सा घी वगैरह आप लीजिए ज़्यादा, जैसे दाल सब्जी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा घी ऐड कर दिया, या बड़े भी हमें कहते हैं कि घी हमें खाना चाहिए, बट घी के लिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर थोड़ा घी वगैरह खाना भी स्टार्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 9th मंथ में हो सकता है आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ एक्सरसाइज भी रिकमेंड कर दें जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती हैं, तो आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए आपके डॉक्टर की एडवाइस के बाद में, थोड़ा थोड़ा वॉक भी करना चाहिए 9 मंथ प्रेगनेंसी में। ये सब चीज़ें जो क्या है आपको हेल्प करती हैं कि आपके जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके, तो 9th मंथ में डॉक्टर ही आपको काफ़ी एडवाइस कर देते हैं कि ये चीज़ें इस टाइम पे आपको करनी है जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिल सके। तो अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करके चलनी है। तो एज़ यूजुअल जैसे मैं पिछले 8 महीने भी बोलती आई हूँ कि कैफ़ीन जो है आपको कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए या बहुत कम कीजिए, जैसे चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी हो गया, बहुत कम इस टाइम पे आपको लेना है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है जो कि इस टाइम पे होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो कैफ़ीन आपको नहीं लेना है। अल्कोहल टोबैको वैसे भी बहुत ज़्यादा हम इंडियन वुमेंस नहीं लेते होते हैं, बट स्टिल अगर आप पहले ले रहे थे तो आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, वो हम सबको पता है। उसके अलावा पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा जंक फूड नहीं लेना है, इस टाइम पे काफ़ी मन करता है और हमें लगता है 9 महीने पूरे हो गए हैं और अभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट नहीं लेना है। इस टाइम पे वेट आपको ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है और जंक फूड आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज दे सकता है, आपका स्टमक काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, तो नहीं लेना है। बाहर के जितने भी ड्रिंक्स हैं वो सबको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं लेना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना। नॉनवेज, अंडा जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अनपास्चराइज मिल्क और सॉफ्ट चीज़ वगैरह नहीं लेना है, उन सब के बारे में पहले भी मना करती आई हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको अभी भी अवॉइड करके चलना है। अब आपका जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है डिलीवरी के, तो अपना जितना भी डाइट लें कोशिश करें कि उसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो, ऐसा कोई भी डाइट ना लें जिससे आपको कुछ भी न्यूट्रिशन ना मिले और सिर्फ कैलोरीज ही आपको मिलती रहें, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके अलावा थोड़े टिप्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करके और थोड़ा सा एक्सरसाइज इस टाइम पर आपको करना चाहिए, थोड़ा सा योगा करना चाहिए जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करे। बट फिर से कहूँगी, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो जो भी एक्सरसाइज आपको बताएं वो आपको करनी है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है क्योंकि 9th मंथ में जो जो आपकी बॉडी है, जो बेबी है, वो काफ़ी बढ़ रहा होता है, तो भूख आपको काफ़ी लग सकती है। बट अगेन, बहुत ज़्यादा खाना आपको एक साथ नहीं खाना है, छोटे छोटे मील्स लेने हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए, बार बार खाते रहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी नट्स वगैरह लेते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी इस टाइम पे आपके लिए। पानी जो है पीते रहिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आपका लास्ट मंथ चल ही रहा है और आगे का जो टाइम है वो आपका बेबी के साथ ही स्पेंड होगा, ये बस 1 महीने की बात और है, तो खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, आने वाली बेबी का इंतज़ार कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।